Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. अनअकैडमी आपके लेकर आ गया है बहुत ही स्पेशल वाले बैचेस उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि वर्किंग है। हाँ जी, तो पहली बार अनअकैडमी ने ऐसा जो है वो बैच आपके लिए क्रिएट किया है, बहुत ही बढ़िया। ये क्या है, वीकेंड स्पेशल बैच रहेंगे जो कि वीकेंड्स पर जिनकी क्लास लगेगी। अप्रैल 9 से ये बैच शुरू हो चुके हैं। वोदनाला सर, निहारिका मैम और अश्विनी सर जो है वो इसके अंदर क्लासेस लेने वाले हैं। एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की आपका प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जा रही है। इस क्लास का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास की जो खासियत यही है कि इसकी क्लासेस सिर्फ वीकेंड्स पे लगेंगी, तो अगर आप बाकी पूरा वीक में वर्किंग है तो आपको कोई टेंशन नहीं, आपकी कोई क्लास मिस नहीं हो रही है। आप लाइव क्लास कीजिए वीकेंड्स के ऊपर और इजीली अपनी प्रिपरेशन जो है वो आप बनाए रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वाला ये बैच जो है सभी कैंडिडेट्स के लिए हैं जो अपने घरों में बिजी हैं, चाहे आप अपने ऑफिस वर्क में बिजी हैं, तो वीकेंड में 2 दिन तो आप इजीली जो है वो निकाल ही सकते हैं। तो बहुत बढ़िया मुझे ये लगा कंसेप्ट। और अगर आप अनअकैडमी प्लस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि ये वीकेंड बैचेस जो हैं वो प्लस का कोर्स के अंदर आ जाते हैं, तो प्लस या आइकॉनिक कोई भी बैच अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफर कोड यूज़ कर सकते हैं SHAFALINTA शिफाली NTA। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही बड़ी बहुत ही स्पेशल वाली खुशखबरी जो है वो UGC आपके लेकर आया है। अब देखना हमें समझ आने लगा है जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है, तो UGC या जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो स्टूडेंट्स की जो नीड है उसे समझने लगे हैं, तो बहुत अच्छी बात है वैसे ये। तो यहाँ पर जो खुशखबरी हमारे लिए आई है वो ये है कि अब आप एक साथ 2 फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम्स कर सकते हैं। पहले हमारे पास एक लिमिटेशन थी कि हम एक साथ जो है वो 2 कोर्सेज के अंदर एनरोल नहीं कर सकते हैं, बट अब आपके लिए बहुत ही स्पेशल वाला सिस्टम आ गया है कि 2 फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर आप जो है वो एनरोल कर सकते हैं। और इससे क्या फ़ायदा है आपको, इससे आपको ये फ़ायदा है कि आप अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आपको 2 सब्जेक्ट्स पसंद हैं, 2 डोमेन्स पसंद हैं, आप उसके अकॉर्डिंग क्लासेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो एम जगदीश कुमार जो हमारे UGC के चेयरमैन हैं उन्होंने दी है। NEP 2020 के तहत अभी जो ये फैसला लिया गया है, जहाँ पर अब ये 2022-23 के सेशन से लागू होने जा रहा है, ये जो न्यूज़ है वो नवभारत टाइम्स के मैं पेज से पढ़ रही हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि UG, PG, डिप्लोमा सबके लिए ये लागू होने वाला है, बट यहाँ पर डिपेंड ये करता है, ये जो है रूल है कि दोनों प्रोग्राम एक ही लेवल के होने चाहिए। चाहे आप UG लेवल से पढ़ रहे हो, UGC लेवल से आप BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, या BA, BSc, BCom, इनमें से किसी में भी आप जो है वो एनरोल कर रहे हो कोई भी 2 प्रोग्राम्स के अंदर, बट वो होने सेम ही लेवल के चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप BSc कर रहे हो साथ साथ आप MCom कर रहे हो, ठीक है, वो UG और PG लेवल्स हो जाएंगे, लेवल सेम होने चाहिए। दूसरा यहाँ पर बात ये की गई है कि कोशिश आपको ये करनी है कि एक प्रोग्राम जो है वो दूसरे की टाइमिंग के जो क्लास टाइमिंग्स हैं वो मिलती ना हो, दोनों की क्लास टाइमिंग्स जो हैं वो अलग अलग हों। इंस्टीट्यूशंस अलग हो सकता है, सेम इंस्टीट्यूशन के अंदर भी, सेम कॉलेज के अंदर भी आप रहकर पढ़ सकते हो, सेम इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है और अलग इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है विद इन अ सिटी, बट डिपेंड बात ये होती है कि क्लास टाइमिंग मैच ना करती हो। और यहाँ पे बात ये भी की गई है कि आप ऑनलाइन मोड से भी पढ़ सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि एक कोर्स आप ऑनलाइन मोड से कर दो, एक कोर्स आप रेगुलर क्लासेस के थ्रू फिजिकल मोड के थ्रू करो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग से कर लो, ठीक है, इससे आपकी क्लासेस क्लैश भी नहीं होंगी। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप जैसे भी करना चाहते हैं। दो डिग्रीज आपको कर सकते हो, एक साथ ले सकते हो, डिग्री प्रोग्राम से एनरोल कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बट यहाँ पर मेन जो बात यही है कि दोनों की क्लासेस क्लैश ना होती हो, क्लास टाइमिंग क्लैश ना होती हो, ऐसा ना हो कि आपके एक कोर्स के करके दूसरे का नुकसान हो रहा है, ठीक है। और एडमिशन पॉलिसी क्या रहेगी, अटेंडेंस पॉलिसी क्या रहेगी, वो अभी यूनिवर्सिटीज तय करेंगी उसके बाद, ठीक है, आपको प्रॉपर इसके ऊपर गाइडलाइंस दी जाएंगी।
और ये क्यों किया गया है, बोला गया है जगदीश कुमार सर जी के थ्रू कि यहाँ पर जो हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन की मांग बढ़ती जा रही है देश में, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ 3% स्टूडेंट्स ही फिजिकल कैंपस में एनरोल कर पा रहे हैं, एडमिट कर पा रहे हैं, तो इसी वजह से अब ये रूल जो है वो आपको प्रोवाइड कराया गया है, ये जो है आपके लिए फैसिलिटी दी गई है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट कर पाएँ और अपने मन पसंद के अकॉर्डिंग अपने डोमेन्स के अंदर आप जो है अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हुए प्रिपरेशन कर पाएँ, एग्ज़ाम दे पाएँ, अपना कोर्स जो है वो ले पाएँ, डिग्री ले पाएँ। और हाँ, एक बात यहाँ पर ये की गई है कि अगर किसी ने पहले ये किया है, पहले ऐसा किया है, पहले जो है दो डिग्रीज जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले दो डिग्रीज एक ही साथ ली हैं, उन्हें इन गाइडलाइंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, उनके लिए वैलिड नहीं है। जो अब से करेंगे 2022-23 के सेशन से, उनके लिए इसका फ़ायदा ज़रूर रहेगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको लगता है ये न्यूज़ पसंद आई होगी, न्यूज़ पसंद आई है और वीडियो पसंद आई, जैसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस अपडेट आपको मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।